अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत चाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पुले, सुत दारा से प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गोरे रामदास राखो शरणा। एक अरदास पाठ कीरत की, गोरे रामदास राखो शरणा। सुकह टल गुर सेविया, एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए, सजन सचा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठिया सोही, सवना दावे साहु। सजन सचा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठिया सोही, सवना दावे साहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी महला पहला, कार दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार गुर प्रसाद, गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुग है नहीं दूरे, चोग चुग है प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, गुर सागर रतनी भर पूरे, अमृत संत चुग है नहीं दूरे, हर रस चोग चुग है प्रव पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए,
रहाउ। राख राख चरण धरे विचारी, दुविधा छोड़ भए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सारवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर मह हंस हंस मह सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार न पुरख कहो को कैसे, तेर पवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गोरमुख भगत सहज बिचारी, भगत बछल पै काटन हारे, होमे मार मिले पग तारे, आनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना चीन स भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज धर्म धरणी धर टेक, जात सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे
साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत जुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ भावै सर्वर मह हंस प्राण पत पावै। राग तनासरी कर दूजे विच गुरु नानक देव जी की अठ बंदा वाली बाणी अकाल पुरख एक है अते सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। गुरु मानो एक समुंदर है जो प्रभु की सिफत सलाह दे रतना नाल नको नक भरिया होया है। गुरमुख सिख उस सागर विच्चों आत्मक जीवन देने वाली खुराक प्राप्त करते हैं जिवें हंस मोती चुकते हैं ते गुरु तो दूर नहीं रहिंदे। प्रभु की मेहर अनुसार संत हंस हरि नाम रस की चोग चुकते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकिया रहिंदा है ते जिंदे मालक प्रभु नू लब लेंदा है। विचारा बगला छपड़ी विच कादे लई नहाउंदा है कुछ नहीं खटदा सगो छपड़ी विच नहा के चिक्कड़ विच डुबदा है। उसकी यह मैल दूर नहीं हुंदी। जिहड़ा मनुख गुरु समुंदर नू छड़ के देवी देवत्यां आदक होर होर दे आसरे भालदा है वह मानो छपड़ी विच ही नहा रहा है। उत्थों ओह होर माया मोह दी मैल सहेड़ लैंदा है। रहाओ गुरसिख बड़ा सुचेत हो के पूरी विचार नाल जीवन सफर विच पैर रखता है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे दी भाल छड़ के परमात्मा दा ही बन जाता है। परमात्मा दे नाम दा रस चख के गुरसिख ओह पदार्थ हासिल कर लैंदा है जो माया दे मोह तो खलासी दवा देंदा है। जिस दी गुरु ने सहायता कर दित्ती उसके जन्म मन के गेड़ मुक गए। जिमें हंस मान सरोवर छड़ के नहीं जाता तिवें जिहड़ा सिख गुरु का दर छड़ के नहीं जाता वह प्रेम भगति की बरकत नाल अडोल आत्मक अवस्था विच लीन हो जाता है। जिहड़ा गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकदा है उसके अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रकट करता है। उस सिख के अंदर गुरु वस पैंदा है। यह कथा अकथ है भाव इस आत्मक अवस्था का बयान नहीं हो सकता। सिर्फ यह कह सकते हाँ कि गुरु के बचना उत्ते तुर के वह लोक परलोक विच आदर पाता है। जिहड़ा कोई विरला प्रभु चरणा विच जुड़िया बंदा अफुर अवस्था विच टिकदा है उसके अंदर इस्त्री मर्द वाली तमीज नहीं रहिंदी भाव उसके अंदर काम चेष्टा जोर नहीं पाती। दसो कोई यह संकल्प कर भी किवें सकता है क्योंकि वह तो सदा उस परमात्मा विच सुरत जोड़ी रखता है जिसकी जोत तिना भवना विच व्यापक है अते देवते मनुखनाथ आदक सब जिस सदा थिर दी शरण लई रखते हैं। गुरमुख हंस गुरु सागर विच टिक के उस प्राणपति प्रभु नू मिलता है जो आत्मक आनंद का सोमा है जो न्यासरियां दा आसरा है। गुरमुख उसकी भगती दी राही अते उसके गुणा दे विचार दी राही अडोल आत्मक अवस्था विच टिके रहिंदे हन। ओ प्रभु अपने सेवकां दी भगती नाल प्रेम करता है उन्हां दे सारे डर दूर करन दे समर्थ है। गुरमुख होमे मार के अते साध संगत विच टिके उस आनंद मूल प्रभु दे चरणा विच जुड़ते हैं। अनेकां होर होर जतन करन करके सहेड़ी होई आत्मक मौत उसनू सदा दुखी करती है। वह पिछले किते कर्मा अनुसार तुरों आत्मक मौत दा लेख ही अपने मत्थे उत्ते लिखा के इस जगत विच आया ते इत्थे भी आत्मक मौत ही विहांजता रहा। ओह मनुख होमे विच भटक भटक के दुखी हुंदा है। परमात्मा तो बिना
किसी होर आसरे की भाल विच वह अमोलक मनुखा जन्म नू गवा लैंदा है। जिहड़ा मनुख विचारे बगलें वांग हौमे की छपड़ी विच ही नहाउंदा रहिंदा है ते अपने आत्मक जीवन नू नहीं पछाणदा, पर जिहड़ा मनुख एक परमात्मा की सिफत सलाह ही नित उचारदा है, पढ़दा है ते सुनदा है ते धरती दे आसरे प्रभु की टेक फड़दा है, वह गंभीर सुभाव ग्रहण करता है। वह मनुख जीवन के फर्ज नू पछाणदा है। जत सत्ते संजम उस मनुख के हिरदे विच सुते ही लीन रहिंदे हन। जे वह गुरु की शरण विच रह के अपने मन नू उस आत्मक अवस्था विच गिजा लै जिथे माया के तिने ही गुण जोर नहीं पा सकते, सदा देर प्रभु विच टिके पवित्र होए मनुख के मन नू विकारां दी मैल नहीं चंबड़ती। गुरु के शब्द की बरकत नाल उसकी भटकना दूर हो जाती है, उसका दुनिया वाला डर सहम मुक जाता है। जिस वर्गा होर कोई नहीं है, जिसकी सोहनी सुरत जिसका वजूद आद तो ही चलिया आ रहा है, नानक जी भी उस सदा थिर हस्ती वाले प्रभु के दर तो नाम की दात मांगते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।